आज मैं आपको 30,000 वाले फ्लैगशिप कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं। इन सभी स्मार्टफोन में आपको एकदम DSLR जैसा कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो गैस, अगर आपको प्रो फोटोग्राफी के लिए या फिर YouTube वीडियोस बनाने के लिए या फिर ब्लॉगिंग और इंस्टा रील्स बनाने के लिए एक अच्छा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लेना है तो गैस आज मैं आपको 30,000 वाले टॉप 5 सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। और इन फोन्स में आपको OIS भी मिल जाएगा, साथ ही इसके स्नैपड्रैगन 888 का फ्लैगशिप चिपसेट मिलेगा और बाकी स्पेक्स भी यहां पर आपको फ्लैगशिप लेवल के मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी देरी मत करो, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। दोस्तों, हमारा मेन फोकस कैमरा के ऊपर रहेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस टाइम के 30,000 वाले पांच सबसे बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। सो गाइस, अगर आपका बजट पूरे 30,000 नहीं है, आप लोग सिर्फ 25,000 तक ही खर्च कर सकते हो और आपको 25,000 में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना है तो आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी M52 एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बेसिकली सैमसंग कैमरा और डिस्प्ले के लिए जाना जाता है, तो इस फोन के अंदर भी आपको 25,000 के बजट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मिल जाता है। इसके बैक में 64+12+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल वाली सेल्फी है। दोनों कैमरों से आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो काफी कमाल की बात है, पर इसके दोनों कैमरों में OIS नहीं है, तो इस वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर वीडियो में आपको स्टेबिलिटी कम मिलेगी। बट कलर्स वगैरह इसके कैमरे के ठीक है, फोटोज में काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाती है एंड इसके दोनों कैमरे लो लाइट एज वेल एज डे लाइट दोनों के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कैमरा वाला पार्ट इस फोन का बेस्ट है। इसके बाद अब डिस्प्ले की बात करते हैं, तो इसमें 6.7 इंच की FHD+ वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है और गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट लगा है, जो टोटल 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। एंड फीचर्स के बारे में बताऊं तो यहां पर आपको सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा, एक सिम कार्ड और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो, नॉक्स की अलग से सिक्योरिटी मिल जाएगी और इसमें 3.5mm का गड्ढा नहीं है और 5000mAh की बैटरी यहां पर लगी है, जिसके लिए आपको 15 वोल्ट का चार्जर इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसके 6128 के लिए आपको Amazon पर पूरे 24,999 रुपए देने पड़ेंगे। तो गाइस, कंक्लूजन ये है इस फोन का कि अगर आपको कैमरा के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी डिस्प्ले और एक सिक्योर्ड स्मार्टफोन लेना है, ये सिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें नॉक्स की सिक्योरिटी है। तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए आप लोग सैमसंग के इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। गाइस, अगर आपको 30,000 के प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन लेना है, देन आप लोग Vivo V23 को ही परचेज करना। 50 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे के साथ आने वाला ये इंडिया का फर्स्ट स्मार्टफोन है। इसके फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, मींस टोटल डुअल कैमरा सेटअप इसके अंदर लगा है। डिजाइन के हिसाब से देखें तो फ्रंट में बड़ी सी नोच लगी है, तो शायद ये नोच आप में से काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, पर यार इसकी नोच के अंदर आपको काफी सारी खूबियां मिल जाती है, जैसे कि इसके फ्रंट से आप 4K वीडियोस को 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑटो फोकस इसमें आपको मिल जाएगा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग में आप इसकी सेल्फी से एकदम प्रो लेवल की वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। फोटोज में इसकी सेल्फी बिल्कुल तगड़ा परफॉर्म करती है। बैक में इसके 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फिर 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड लास्ट में 2 मेगापिक्सल वाला मैक्रो कैमरा इसमें लगा है। इसके अंदर बैक में OIS नहीं है, EIS है एंड मैक्सिमम 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड इसके आप रियर कैमरे से कर सकते हो। वीडियो काफी स्टेबल है, डिटेल्स एंड डायनेमिक रेंज काफी लाजवाब है एंड ओवरऑल वीडियो में इसका रियर कैमरा बेस्ट परफॉर्म करता है। फोटोज में भी यहाँ पर आपको एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आउटडोर में अगर आप फोटोज क्लिक करोगे तो आपको अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, किसी भी तरह से ओवर एक्सपोज इसके फोटोज में नहीं मिलेगा। तो ये तो थी इसके कैमरे की पूरी कहानी, बाकी जो इसमें स्पेक्स हैं उनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 6.4 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले इसमें दे रखी है, डायमेंसिटी 920 का चिपसेट है, जो गेमिंग और हैवी टास्क करने में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। एंड गाइस, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस फोन के अंदर ये है कि ये इंडिया का फर्स्ट कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है एंड इसका डिजाइन आपको एप्पल स्मार्टफोन की याद दिला देगा, क्योंकि डिजाइन इस फोन का काफी प्यारा है और इसके टक्कर का डिजाइन अभी के टाइम पर आपको 30,000 में किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगा। 4200mAh की बैटरी लगी है और 44W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की, तो इसके 8/128 के लिए आपको 29,990 रुपए देने पड़ेंगे। तो फाइनल बात इस फोन को लेकर यह है कि अगर आपको सबसे बेस्ट सेल्फी और सबसे बेस्ट डिजाइन वाला फोन लेना है तो ये फोन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और एक चीज और है जो आपके लिए अच्छी रहेगी, वो है सब्सक्राइब का बटन, तो इसे भी फटाफट से दबा दो। ये 2 की साउंड इसलिए आए क्योंकि अब मैं आपको नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। तो गैस, अगर आपका बजट एग्जैक्ट 30,000 है और आपकी रिक्वायरमेंट है बेस्ट कैमरा, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट डिस्प्ले, तो आप लोग नॉन चाइनीज स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A52s को परचेज कर सकते हो। ये सैमसंग गैलेक्सी M52 का बड़ा भाई है और दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स मिल जाते हैं, पर जो डिफरेंस है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ।
सैमसंग A52S IP67 सर्टिफाइड है, मींस वाटर प्रूफ स्मार्टफोन है, बट M52 नहीं है। A52S में 3.5mm का जैक है, ये भी आपको M52 में नहीं मिलेगा। और A52S में सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले मिलेगा, बट M52 में साइड माउंटेड दे रखा है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो डेली यूजेज में आपके काफी काम आएंगे। एक और डिफरेंस है, वो है रियर कैमरे के अंदर। A52S के बैक में 64+12+5+5 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा लगा है, जबकि M52 में ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रखा है। दोनों कैमरे की सेल्फी सेम है 32 मेगापिक्सल वाली, बट यहाँ पर A52S के बैक कैमरे में आपको OIS मिल जाएगा, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसके बैक कैमरे में 10x का डिजिटल जूम है, फोटोज इसके कैमरे से काफी तगड़े आते हैं, और इसके दोनों कैमरों से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओ। इसके दोनों कैमरों में आपको काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी, एंड सैमसंग का स्मार्टफोन है तो इसकी कैमरा ऐप के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इतने सारे फीचर्स इसके कैमरा ऐप के अंदर दे रखे हैं कि वो आप लोगों को काफी पसंद आएंगे। अब बात आती है प्राइस की, तो इसके 6128 वाला वेरिएंट आपको 31,000 में मिल जाएगा, वो भी अमेज़न के ऊपर। तो इधर उधर मत भागना, सीधे अमेज़न पर ट्राई करना। सो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस, अगर आपको एक प्रीमियम ब्रांड का अच्छा सा कैमरा स्मार्टफोन लेना है, तो फिर आप लोग OnePlus 9R को परचेज कर सकते हो। इसको परचेज करने के लिए आपको अपने बजट को 4000 इंक्रीज करना पड़ेगा, मींस इसके 8128 वाला वेरिएंट आपको अमेज़न पर पूरे 34,000 में पड़ जाएगा। मैंने इसको इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसमें आपको बेस्ट मिलेगा, एंड कैमरा भी इस फोन का बेस्ट परफॉर्म करता है। इसके बैक में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा है, जिसमें सोनी IMX586 का सेंसर दे रखा है, और बाकी 16 मेगापिक्सल+5 मेगापिक्सल+2 मेगापिक्सल के तीन कैमरे हैं, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल वाली सेल्फी मिलेगी, और इसकी सेल्फी में सोनी IMX471 का सेंसर लगा है। इसके बैक कैमरे से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, बट फ्रंट से नहीं, और इसके बैक कैमरे में OIS एंड EIS दोनों हैं, और सेल्फी में सिर्फ आपको EIS मिलेगा। गाइस, रियली कैमरे से स्मार्टफोन का काफी अच्छा है, कलर वगैरह को थोड़ा सा पंची कर देता है, बट ओवरऑल इसके फोटोज में आपको काफी अच्छी डिटेल्स मिलेंगी, एंड सेल्फी इसकी ठीक है, बट Vivo V23 से अच्छी नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अपना मन बना रखा है कि आप लोगों को OnePlus का एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेना है 30-35 हज़ार के बजट में, तब आप लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो हमारी इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर आता है iQOO 9SE। ये फोन इस लिस्ट का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है, एंड ये फोन भी आपको 30,000 के प्राइस से ज्यादा में मिलेगा। इसके 8128 वाला वेरिएंट आप लोग 33,990 में खरीद पाओगे, पर ऑफर में ये फोन आपको 30-32 हज़ार तक पड़ जाएगा। भाई, पर्सनली मैं खुलकर बोलता हूँ, OnePlus 9R से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे ये वाला फोन लगा है, और इसमें आपको ओवरऑल एक तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट लगा है, जो आपको ओवरऑल एक तगड़ी परफॉर्मेंस का मजा देगा। और कैमरा में भी इस फोन ने OnePlus 9R, Realme GT Neo 2, OnePlus Note 2, Xiaomi 11T Pro, OPPO Reno 7 एंड 7 Pro, इन सभी स्मार्टफोन को पीछे छोड़ दिया है। इसमें 48+13+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है, OIS है इसके कैमरे के अंदर। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल वाली सेल्फी मिलेगी। रियर कैमरे से आप 4K वीडियोस को 60 FPS पर रिकॉर्ड कर पाओगे, पर OIS 60 FPS पर काम नहीं करता, ओनली 30 FPS पर काम करता है। फ्रंट से आप ओनली 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो के मामले में यहाँ पर आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो आप लोग इस स्मार्टफोन के कैमरे से अच्छे वाली वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। फोटोज की बात करें तो इसके फोटोज में आपको काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी, कलर्स वगैरह काफी अच्छे आते हैं, एंड डायनेमिक रेंज को काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है, तो फोटोग्राफी के लिए भी यहां पर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ओवरऑल कैमरा इस स्मार्टफोन का काफी जबरदस्त है। अब बात की जाए डिस्प्ले की, तो 6.62 इंच की FHD+AMOLED डिस्प्ले इसके अंदर लगी है। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट है, और 4500mAh की बैटरी है, और 66W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। गाइस, अगर आपको कैमरा के साथ साथ एक तगड़ी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन लेना है, तब आप लोग iQOO 9SE को परचेज कर सकते हो। सो गाइस, ये थे अभी के टाइम पर आने वाले 30,000 के बजट में 5 सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। अब आप लोग अपने बजट और पसंद के अकॉर्डिंग इन पांचों में से किसी भी एक कैमरा स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अब क्लियर कट बात यह है कि 25,000 में सैमसंग M52 एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन रहेगा, 30,000 में A52s अच्छा है, और अगर आप लोग अपने बजट को बढ़ा सकते हो, तब मैं आप लोगों को दो ही स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा। एक है iQOO 9SE और दूसरा है Vivo X60। और अगर आपको एक सेल्फी के लिए तगड़ा स्मार्टफोन लेना है, तब आप लोग Vivo V23 को परचेज कर सकते हो। दोस्तों, आपको इन पांचों में से कौन सा सबसे अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक जय वंदे मातरम।